देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी जोन के लिए नए नियम लागू किए जाने का विरोध हो रहा है और इसी को लेकर जिप्सी चालकों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में डीएफओ का घेराव किया। इन्होंने डीएफओ को भंडार पानी तक जिप्सियों को जाने की परमिशन मांगी है, जिससे कि इनका रोजगार भी चलता रहे, इनको परेशानी ना हो। सीतामढ़ी रोड पर जाकर के टूरिस्ट को घुमा लाते थे और उसको जैव विविधता तो दिखाई लाते थे। जानवर अगर कम भी दिखाते तो पेड़ है, हमारा फ्लोरा एंड फौना है, विभिन्न किस्म की जो हमारी जैव विविधता उसको दिखा लाते थे और उससे टूरिस्ट थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता था, उसके बाद एक विकल्प रहता। तो इसी पे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और उनसे दिशा निर्देश लेकर के आगे कार्रवाई। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में शरदोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लगे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां वन विभाग के स्टॉल में फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के पोस्टर लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा, तो वहीं उद्यान विभाग के स्टॉल में सब्जियों के बड़े आकार को देख करके हर कोई खींचा चला रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन भी स्टॉल में लगे हुए हैं। शरदोत्सव और कृषि मेले का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, आयोजन किया गया। मेले में लगे स्टॉल और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में नगर निकाय के 100 साल पूरे होने पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। IDPL हॉकी ग्राउंड से नगर निगम परिसर तक 5 किलोमीटर तक की दौड़ रखी गई, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। रामनगर के ढिकुली गांव में स्थित झूला पुल की नवीनीकरण की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। इसी से गुस्साई लोगों ने अस्थायी रूप से बनाई गई दीवार को तोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बगैर किसी कार्य योजना के पुल को बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। लक्सर से अगली खबर। लक्सर शुगर मिल ने इस बार किसानों को गन्ने की पर्चियां देने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है और इसी को लेकर किसानों ने धरना भी दिया। किसानों का कहना यह है कि शुगर मिल की नई व्यवस्था की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अगर शुगर मिल प्रबंधन ने अपना फैसला नहीं बदला तो किसान आगे जाकर के आंदोलन करने को मजबूर होने वाले हैं। उनके पास किसी के पास नोटबुक मोबाइल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा किसान नहीं, तो पर्ची कटने के बाद उनके पास मैसेज नहीं पहुँचा, कहीं नेटवर्क ना होने के बाद पर्ची कट गई, मैसेज पहुँचा नहीं और दूसरी पर्ची का उसके पास मैसेज गया, पहली पर्ची उसी गायब होती, तो समस्या को लेकर हम यहाँ आए थे। हमने घेराव करा इनका, इन्होंने कहा है हमें पूरे इनके जो अधिकारी हैं कि यथा पूर्व जिस तरह से पर्ची आया करती थी ऐसी ही पर्ची जाएंगी। मैंने इनसे वादा किया है मैं एक दो दिन में व्यवस्था करके पर्ची होगी, पर्ची भी भिजवाऊंगा जब इनकी जीत है या कई मांग है इनकी किसानों की मांग के सामने, और जब तक पर्ची जाने की व्यवस्था होगी जब तक मैं जो लिस्ट निकलती है इन लोगों के लिए नाम की गांव दर गांव उस लिस्ट को भेजूंगा। टिहरी में करगिल युद्ध के शहीद दिनेश बहुगुणा के गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, जबकि सड़क की घोषणा हुई 18 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए दिनेश बहुगुणा के गांव तक लोग इंतजार कर रहे हैं, गांव वाले, कि सड़क यहां पर पहुंचेगी। 18 साल का वक्त गुजर गया सड़क बनाने की घोषणा हुए, लेकिन अभी तक सड़क यहां पर नहीं बन पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ जो भी विकास की योजनाएं होंगी वो मैं ठीक करूँगा और 1 साल के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की सड़कें, जो यहाँ की रुकी हुई पेयजल योजना, जो यहाँ का रांची स्टेडियम और भी जो अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको करके पौड़ी जनपद का जो विकास हुआ है उसको और बढ़ाने का काम। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।